उत्तर प्रदेश में विपक्षी सपा के पक्ष में एमवाई मुस्लिम यादव गठजोड़ मजबूत होता दिख रहा था, तो भाजपा ने मोदी योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को ही चुनावी रणनीति का भी मंत्र बना दिया। चुनावी रथ में सरकार और संगठन का डबल इंजन लगाया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से सरकार गरीबों का दिल जीतने का प्रयास करती गई और संगठन लाभार्थी वर्ग को लाभार्थी वोट बैंक के रूप में सजोकर उनके मन में भाजपा बसाने की जुगत में जुट गया। पात्रता के मानकों से योजनाओं का लाभ पाने वाले 6,62,89,721 लाभार्थियों में बड़ा वर्ग दलित और मुसलमानों का ही था। मुस्लिम तो भाजपा हराओ के पारंपरिक मिशन पर चलते हुए सपा के साथ चले गए, जबकि दलित वर्ग ने नीले झंडे का मोह पूरी तरह त्याग कर प्रदेश को एक बार फिर भगवा में बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में मजबूती से कदम रखने वाली भाजपा अपनी नीति और रणनीति से जड़ें गहरी करती गई। पहले सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का सहारा था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा को केंद्र और प्रदेश सरकार के डबल इंजन की ताकत मिल गई। इस ताकत का प्रयोग भाजपा ने गरीब दलित और पिछड़ों का दिल जीतने के लिए किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपनी योजनाओं को गति देते हुए लागू किया, बल्कि केंद्र की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उसमें लगभग सभी में यूपी को नंबर एक पर पहुंचाया। इस तरह विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 6.5 करोड़ के भी पार पहुंच गई। इसे लाभार्थी वोट बैंक मानते हुए भाजपा संगठन के लाभार्थी संपर्क अभियान चलाया, बूथ स्तर पर योजनाओं का लाभ लेने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड तैयार कर उनसे संपर्क किया। उन्हें याद भी दिलाया कि केंद्र के साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार के कारण उन्हें कितना लाभ मिला है। अब चुनावी परिणाम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भाजपा की यह रणनीति बहुत कारगर रही और गरीब दलितों का जो अधिकतर वोट बसपा को मिलता था उसकी बड़ी जिम्मेदारी भाजपा हो गई।